नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और कचरा वाहनों की मॉनिटरिंग नहीं किए जाने का नतीजा अब सामने आ रहा है। कचरा एकत्रित करने वाली गाड़ियों में फलों का परिवहन किया जा रहा है और यह सिलसिला पिछले कई महीनों से निरंतर चला आ रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई की सफाई व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है, यह अब स्पष्ट रूप से नजर आने लगा है। कचरा परिवहन कर उसे ट्रेचिंग ग्राउंड तक पहुँचाने के कार्य में लगे सफाई वाहनों का उपयोग फलों के परिवहन में किया जाने लगा है। यह सब कार्य नई सफाई ठेका कंपनी के सुपरवाइजर के मार्गदर्शन में हो रहा है। इस तरह से अवैध रूप से फलों का परिवहन कई महीनों से किया जा रहा है, जिसकी जानकारी अब तक नगर निगम के जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिल सकी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपनी आँखें बंद कर बैठे हुए हैं और सुपरवाइजर के मार्गदर्शन में हो रहा फलों का परिवहन सुपरवाइजर के साथ कचरा वाहन के चालक को भी लाभान्वित कर रहा है। जब से नगर निगम में नई सफाई ठेका कंपनी ने अपना कार्यभार संभाला है, तब से नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से लापरवाह हो चुके हैं। सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। सफाई वाहन कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, इससे नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कुछ लेना देना नहीं है। अधिकारियों की उदासीनता से निगम की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इस संबंध में नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत हुई है, आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है कि कचरे गाड़ी है जो निगम की सफाई वाहन है, जिसमें आम ले जाया जा रहा है, और क्या मामला है क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। और इस विषय वस्तु में स्वास्थ्य अधिकारी से मेरी चर्चा हुई है, तो उनको भी जानकारी मैंने दिया हुआ है कि कौन सा मामला है, इसकी जांच कराकर इसका रिपोर्ट ले लें करके, तो अग्रिम कार्रवाई जो भी इसमें होगा उसकी जाएगी। 7 महीने से जो गाड़ी चल रही है वो सफाई वाहन में चल रही है कि किस माध्यम से चल रही है, या कहीं और जा रहा है गाड़ी, या सुपरवाइजर कोई लापरवाही होगी, या इसमें कोई संलिप्तता है किसी माध्यम से, तो उसकी जांच कर लेंगे और जांच करने के बाद में जो भी कार्रवाई इसमें विधि संगत होगा वो किया जाएगा। निगम में ऐसे तो प्लेसमेंट की अलग अलग गाड़ियां हैं, निजी एजेंसी की भी गाड़ियां हैं और अपनी रेगुलर भी गाड़ियां हैं, और एजेंसी ने भी अपनी वाहनें लगाई हुई हैं, तो इसका अनुमान लगाना कठिन है कि कितनी वाहनें होंगी। परंतु सफाई वाहनें जो हैं वो एपे है और टाटा एस है, ऐसे बहुत सी वाहनें हैं जो सफाई वाहनों में लगी हुई है। उसके साथ में डंपर भी है, ट्रैक्टर भी शामिल है, बहुत सारी वाहनें हैं जिसके माध्यम सफाई कार्य काम किया जाता है। गौरतलब है कि नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की अधिकारियों की लापरवाही से ही ऐसी स्थिति बनी है। अब आगे जांच के नाम पर नगर निगम द्वारा केवल खाना पूर्ति ही की जाएगी। इस तरह के अवैध कार्य को अंजाम दे रहे सुपरवाइजर के पक्ष में बोलने कई लोग भी सामने आने लगेंगे, जिसकी वजह से छोटे कर्मचारियों पर ही गाज गिरेगी। दोबारा ऐसी स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए नगर निगम आयुक्त को जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।